चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम ऑल स्टेट की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कौन से स्टेट में क्या कट ऑफ जा सकती है। इसका मैंने निकाला है एक तो कि स्टेट के कैंडिडेट कौन से स्टेट के कितने कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके अकॉर्डिंग कितनी सीटें इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट उस स्टेट से कितने इंक्रीज हुए हैं, और क्वेश्चन का जो लेवल है डिफिकल्टी लेवल वो तो मेन रहता ही है, और इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैंने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की है सभी स्टेट्स की। ऑल इंडिया कोटा की मैं कट ऑफ पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान स्टेट की सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ राउंड वाइज कैटेगरी वाइज, कल मैंने वो वीडियो बनाया था, वो भी चैनल पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया स्टेट आयुष वेटनरी की बुक अवेलेबल है। इनमें जो फैसिलिटी है वो ये है कि इसमें 2024 के लिए चॉइस लिस्ट दे रखी है और कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है, फ्लो चार्ट से ये सब कुछ समझा रखा है प्रोसेस को। स्टेट कोटा की बुक में हर एक स्टेट के बारे में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और आयुष और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है जिसमें ये सारी फैसिलिटियां अवेलेबल हैं। इसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम दिल्ली की। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की जो कट ऑफ रहने वाली है वो यूआर कैटेगरी 670। याद रहे दिल्ली का आईपीयू का जो एनडीएमसी कॉलेज है उसकी कट ऑफ लास्ट रहती है और उसी की मैं यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ, लास्ट कट ऑफ। बाकी यूआर कैटेगरी 670, ओबीसी 640, ईडब्ल्यूएस 655, एससी 600 और एसटी 485 कट ऑफ रह सकती है दिल्ली आईपीयू की जो सबसे लास्ट कट ऑफ रहती है। हरियाणा स्टेट की बात करें, इस बार यूआर 660, बीसीबी 648, बीसीए 635, ईडब्ल्यूएस 650, एससी 570 और एससीडी 530 कट ऑफ रह सकती है हरियाणा स्टेट के लिए। यूपी स्टेट की बात करें तो अभी तक यूपी में टोटल 722 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं इस बार अभी तक। हालांकि कुछ कॉलेजेस ने अपील कर रखा है, अगर उनको लेटर ऑफ परमिशन मिल जाता है तो उनकी सीटें भी यहां ऐड हो जाएंगी। तो ओल्ड कॉलेजेस में 122 सीट्स ओपन हो रही हैं और जो 7 कॉलेज हैं न्यू, दो कॉलेजों में 50-50 सीट्स को लगा करके टोटल 600 सीट्स यहाँ ओपन हो रही हैं, 722 सीट्स यहाँ ओपन हो रही हैं। लेकिन यहाँ 722 में 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी और यूपी स्टेट के लिए ये सीटें भी बहुत कम हैं इस बार, क्योंकि यूपी में इस बार कैंडिडेट काफी रजिस्टर्ड हुए हैं और उनका परफॉर्मेंस भी ज्यादा है। तो इन सब बातों को देखते हुए ऑल इंडिया कट ऑफ का कंपेरिजन करते हुए जब यूपी स्टेट की कट ऑफ देखेंगे तो यूआर 655, ओबीसी 653, ईडब्ल्यूएस 652, एससी 537, एसटी 325। मैं आपको यहाँ इनकी सारी ओपन कैटेगरी की बता रहा हूँ, इनमें अलग रिजर्वेशन होते हैं। जैसे यूआर में यूआर गर्ल्स का होता है, एक्स सर्विसमैन का होता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का होता है, तो इसमें अलग अलग रिजर्वेशन है, मैं आपको यहाँ ओपन की बता रहा हूँ। अब बिहार स्टेट की बात कर लेते हैं तो बिहार स्टेट में जो पिछला कट ऑफ रहा था उस पर मत जाइए आप, जो अभी बिहार स्टेट ने अपने वेबसाइट पर कट ऑफ डाल रखा है पिछले साल का, उस पर ये जाना उचित इसलिए नहीं है कि पिछली बार बिहार स्टेट का जो राउंड हुआ था वो काफी लेट हुआ था, उसके कारण पिछली बार लास्ट राउंड में बिहार स्टेट की कट ऑफ काफी डाउन चली गई थी और पहले वाले राउंड में कट ऑफ काफी ज्यादा थी। तो आप कहीं ये सोचें कि पहले राउंड में हमें बिहार में कॉलेज नहीं लेना है, लास्ट राउंड में कट ऑफ डाउन रहेगी, तो ऐसा इस बार नहीं होगा, हर साल ट्रेंड चेंज होता है। तो इस बार बिहार स्टेट में जो कट ऑफ रहेगी वो ऑल इंडिया के इक्वल यूआर की 652, बीसी की 652, ईबीसी की 650, ईडब्ल्यूएस 652, एससी की 552 और एसटी की 515 कट ऑफ रह सकती है बिहार स्टेट की। महाराष्ट्र की बात करें तो यूआर 625, ओबीसी 615, ईडब्ल्यूएस 615, एससी 535, एसटी 415 कट ऑफ रह सकती है महाराष्ट्र स्टेट की। एमपी स्टेट की बात करें, यूआर 628, ओबीसी 600, ईडब्ल्यूएस 618, एससी 520, एसटी 408 कट ऑफ रह सकती है। उड़ीसा स्टेट की यूआर 636, ईडब्ल्यूएस 635, एससी 550, एसटी 410 कट ऑफ रह सकती है। वेस्ट बंगाल की बात करें, यूआर 630, ओबीसी ए 627, ओबीसी बी 605, ईडब्ल्यूएस 593, एससी 530, एसटी 315। गुजरात की जीएमआरएस कॉलेज की काफी डाउन कट ऑफ रहती है, यूआर 595, एसई 585, ईडब्ल्यूएस 590, एससी 525, एसटी 345। इसमें जो पुराने कॉलेज हैं, भावनगर, जामनगर, सूरत, बड़ौदा,
बीजे अहमदाबाद, इनकी कट ऑफ हाई रहती है, वो ऑल इंडिया से थोड़ा सा डाउन ही रहती है, लेकिन जीएमआरएस की जो कॉलेजों की कट ऑफ है थोड़ी सी डाउन रहती है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यू आर 570, ओबीसी 561, ईडब्ल्यूएस की हम बहुत डाउन कट ऑफ रहती है 510 पे, एससी की 495, एसटी की 380 कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट में इस बार। पंजाब की बात करें, यू आर 620, बीसी 595, ईडब्ल्यूएस 610, एससी 460। पंजाब में यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में भी गवर्नमेंट कोटा होता है, लेकिन मैंने ये गवर्नमेंट की कट ऑफ बताई है। उत्तराखंड यू आर 625, ओबीसी 613, ईडब्ल्यूएस 605, एससी 455, एसटी 425। हिमाचल की बात करें, यू आर 575, ओबीसी 575, ईडब्ल्यूएस 540, एससी 530 और बैकवर्ड एरिया के कैंडिडेट्स के लिए 560 कट ऑफ रह सकती है। झारखंड की बात करें, यू आर 640, बीसी 638, ईडब्ल्यूएस 620, एससी 515, एसटी 390 कट ऑफ रह सकती है यहां पर। आसाम यू आर 585, ईडब्ल्यूएस 585, एससी 515, एसटी एच जो हिली एरिया के हैं वो 380 और एसटी पी 440 कट ऑफ रह सकती है यहां पर। इसके बाद में बाकी सारे स्टेट्स की मैं आपको यहां कट ऑफ बता देता हूं यूआर कैटेगरी की, क्योंकि इनमें काफी सारी कैटेगरियां होती हैं, जैसे केरला, कर्नाटका, इनमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जेंटके में भी काफी सारी कैटेगरी होती हैं, तो इनमें मैं आपको यूआर कैटेगरी की कट ऑफ बताते हूं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो केरला 680 जा सकता है जो सबसे हाई कट ऑफ स्टेट है, कर्नाटका 590, जेंटके 580, त्रिपुरा 575, तमिलनाडु 645, तेलंगाना 400, आंध्रा 600। तेलंगाना में जो ओयू यानी कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसकी मैं यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ 400, और आंध्रा में जो एयू आंध्रा यूनिवर्सिटी है उसकी 600, अभी पुडुचेरी 590 कट ऑफ रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्टेट की, लेकिन ये डिपेंड करेगा सीट इंक्रीज पर, कितनी ज्यादा सीटें इंक्रीज होती हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। हालांकि इस बार भी सीटें ठीक ठाक इंक्रीज हो रही हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में तो सीटें इंक्रीज नहीं हो रही हैं, लेकिन पिछले साल के मुताबिक कुछ कॉलेजों में, पुराने कॉलेजों में भी सीट इंक्रीज हो रही है और कुछ स्टेट्स में नई कॉलेज भी ओपन हो रही हैं। तो ये कितनी सीटें ओपन होंगी, कितनी कॉलेज होंगी, इसका जैसे ही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।